फ्रेंड्स, अब मानसून स्टार्ट होने वाली है और इस वक्त मानसून स्टार्ट होने से पहले हमें अपने प्लांट पर बहुत सारे काम करने होते हैं और मैंने सचमुच ही तो स्टार्ट भी कर दिया है कि मानसून के लिए हम कैसे अपने प्लांट्स को तैयार करें। तो देखिए, ये जो आप सामने में देख रहे हैं ये है जे प्लांट। तो मैंने सोचा कि चलिए अब मैं जे प्लांट से ही स्टार्ट करती हूँ कि इसको मानसून से पहले मैं कैसे रखूँगी और कैसे इसका केयर करूँगी ताकि मानसून में भी ये बहुत अच्छे और हेल्दी रहे। तो देखिए, इसको पानी दिए हुए गर्मी में भी, समर में भी मैंने 2 महीने से इसको पानी नहीं दिया है और देखिए इसकी पत्तियाँ जो है अब बिल्कुल सूख चुकी है और देखिए इसमें शाइनिंग भी नहीं आ रही है, देख लीजिए। तो आप समझ गए ना कि इसको पानी कितना कम देना होता है, क्योंकि मैंने समर में इसको 2 मंथ से नहीं दिया है, इसको बिल्कुल ही इग्नोर एक कॉर्नर में मैंने रख दिया था। लेकिन अब बारिश स्टार्ट होने वाली है तो मैंने सोचा कि इसका केयर अब कर लूँ। तो इसका हम केयर आज कैसे करेंगे मैं आपको यही बताऊँगी। तो ये इंडोर प्लांट्स है, इसके लिए सबसे पहले मैं इसकी पत्तियों को क्लीन करूँगी और क्लीन करने के लिए मैंने पानी और कटन लिया है और इसके बाद मैं इसको फर्टिलाइज़र दूँगी। फर्टिलाइज़र में मैंने वही यूज किया है जो मैं सारे प्लांट्स को करती हूँ, जैसे सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑनियन पील, बनाना पील, मेरे पास जितने हैं वो सारे फ्रूट्स को मैं एक बकेट में रखी और उसका फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है और उसी फर्टिलाइज़र को मैं यहाँ पर इन पौधों को, जे प्लांट को अपना दूँगी। देखिए, तो इसकी पत्तियों को मैं कैसे क्लीन करूँगी और कैसे वॉश करेंगे कि ये खूबसूरत रहे, यही चीज़ मैं आपको आज बताऊँगी। क्योंकि ये देखिए एक इंडोर प्लांट से है और इस मानसून में तो इस पर बिल्कुल ही पानी नहीं लगना चाहिए, तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि मैं अब इसको अपने घर में रखूँगी। ये डेकोरेटिव प्लांट भी है, इसे आप कॉर्नर डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने कटन को वाटर पानी में भिंगा लिया और इसकी पत्तियों को क्लीन कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअली मैंने एक मोबाइल हाथ से पकड़ा है, आज स्टैंड नहीं लगाया है, लेकिन आप क्या कीजिए, ये उसकी पत्तियों को नीचे हाथ में रखिए और उसको कटन से पानी में भिंगा करके और अच्छे से क्लीन कर दीजिए, सारी वॉश कर दीजिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर डस्ट है तो इसको ये खूबसूरत नहीं लगता है, चूँकि हम इसको इंडोर में भी रखते हैं तो इसके लिए इसको खूबसूरत तो प्लांट तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए, मैं यहाँ से पूरी इसकी लीफ को, इसकी पत्तियों को कटन से मैंने क्लीन कर दिया है और आप इस पानी में थोड़ा सा रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब इसकी पत्तियों को हम रोज़ वाटर और पानी से करते हैं ना, तो इसमें अच्छी सी एक हल्की सी गुलाब की स्मेल और भीनी भीनी सी आती है, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डाला है और उसी से मैंने सारे प्लांट्स को, अपनी सारी पत्तियों को क्लीन कर दिया है। इसके डाल को भी क्लीन कर दीजिए, क्योंकि इसके हम लोग इंडोर में रखते हैं और इंडोर में रखने के लिए इसके प्लांट काफ़ी खूबसूरत होने चाहिए। तो मैं भी यहाँ इसके सारे पत्तियों को क्लीन कर दे रही हूँ और देखिए इसमें से डस्ट कितना आ रहा है, बहुत डस्ट है। देखिए, सारे पत्तियों को आप क्लीन कर लीजिए, इसके डाल को भी क्लीन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लगता है और डेकोरेटिव प्लांट है तो जाहिर सी बात है मैं इसको घर के अंदर रखूँगी, तो इसके लिए इसकी सारी पत्तियों को क्लीन कर लीजिए। देखिए, देख रहे हैं कितना डस्ट आया है इसमें। और इसके बाद मैं क्या करूँगी आपको यही चीज़ मैं बता रही हूँ। देखिए, इसके बाद मैंने एक इसकी मिट्टी जो है इसको खुदाई कर देंगे, इस अच्छी तरह दोनों गमलों को मैंने इसकी मिट्टी को हल्की कर दिया, लाइट कर दिया है। कभी भी जब हम फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं तो उससे पहले उसकी मिट्टी को हल्की कर लीजिए, यानी उसकी कुड़ाई अच्छे से कर दीजिए। और देखिए, मैंने क्लीन कर दिया और हमारी पत्तियाँ देखिए कितनी खूबसूरत दिख रही है, देख रहे हैं, देखिए एकदम ग्रीन सी और चमक सी आ गई है। देखिए,
और ये इसकी खूबसूरती और 1 मंथ के बाद और भी आएगी, और इसके बाद मैं इसको फर्टिलाइज़र दे दूँगी। मतलब छोटे से पॉट में मैंने लिया और दोनों प्लांट को आधे आधे मैंने अपने फर्टिलाइज़र दे दिए। देखिए, देख रहे हैं इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत दिखने लगी। मैंने जबकि कुछ भी ज़्यादा कुछ किया नहीं है, ओनली क्लीन कर दिया और सुंदर से, और इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी हरी भरी और कितनी खूबसूरत सी हो गई है। अब आप इसे इंडोर में रख सकते हैं, क्योंकि मैं भी इंडोर में ही अंदर में रखूँगी, क्योंकि अब हमारे यहाँ मानसून स्टार्ट हो जाएगी और बारिश की पानी इस पर नहीं पड़नी चाहिए। बारिश पड़ने से इसके रायम जो हैं वो गल जाते हैं, इसलिए मैं इसको बारिश में नहीं रखूँगी। तो इसको क्या करूँगी, अब मैं घर के अंदर रख दूँगी और ये हमारे कॉर्नर का डेकोरेशन करता रहेगा, डेकोरेट करता रहेगा। और इसको खूबसूरत बनाने के लिए आप इसके अंदर स्टोन भी रख सकते हैं। मैंने भी इसके अंदर स्टोन रखा है, बट अभी क्लीन करते वक्त मैंने हटा दिया है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, अगर आपको अच्छी वीडियो लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए ये कितना खूबसूरत इसके हो चुके हैं पत्तियाँ, देख रहे हैं, देखिए लास्ट में ये देखिए। और आज कैसा लगा बताइए।